हेलो गाइस, तो आज मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी का ये फसल वाला टॉपिक करवाऊंगी, ठीक है ना। ये डाटा बहुत ही कम मिलता है, नेट वगैरह से बहुत ढूंढना पड़ता है, तो ये मैंने कर लिया है। तो मैं सोच रही हूँ आपको भी बता देती हूँ। चलो बता, फसल है तो इसमें चावल है, गेहूँ है, कपास, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, ये इतने टॉपिक दे रखे। तो इनमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है ना। जैसे उत्पादन चावल के अंदर फर्स्ट वेस्ट बंगाल, उसके बाद यूपी है, उसके बाद पंजाब है, ठीक है ना। और गेहूँ के अंदर यूपी, पंजाब, हरियाणा, देखो इसमें कुछ याद नहीं करना। देखो यहाँ पे यूपी सेकंड है और थर्ड पंजाब है, तो ये सीधा यहाँ पे आ गए और फिर हरियाणा आ गया। और ये कपास में गुजरात है, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश। गन्ना, गन्ना के लिए हो गए यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक। और चाय, चाय अपन को पता है असम है, फिर वेस्ट बंगाल उसके पास में, और फिर ये तेलंगाना। फिर कॉफ़ी, कॉफ़ी हो गई कर्नाटक के अंदर, केरल और तमिलनाडु, ठीक है ना। तो उसके बाद में इंपॉर्टेंट है वर्षा। वर्षा अपन को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, वरना टेम्परेचर और मिट्टी तो इसमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। मैंने तो लिख लिया है सही, और इसमें इंपॉर्टेंट वर्षा है, ठीक है ना। तो इसमें चावल में वर्षा होनी चाहिए 100 से 200 सेंटीमीटर तक, ठीक है ना। गेहूँ में 50 से 75, उसके बाद कपास के अंदर 50 से 100, गन्ना के अंदर 100 से 200। और 100 से 200 गन्ना के अंदर भी इतनी चाहिए जितनी चावल के अंदर चाहिए, और 200 चाय में बहुत सारा चाहिए। और उसके बाद कपास है, सॉरी कॉफ़ी है, कॉफ़ी के अंदर हो गई 150 से 200, ठीक है ना। फिर अपन को इसके अंदर मिट्टी और तापमान तो याद करना नहीं है, अपन को नहीं किस्में याद है, किस्में याद करने किस्में ना। तो चावल की किस्म माई सुगंधा है, ये बहुत बार पूछी हुई है और भी पूछी हुई मुझे पता है, तो फिर आप इसको ये ध्यान रखना माई सुगंधा, ठीक है ना। और जया है वो फर्स्ट बोनी किस्म है इसकी, ठीक है ना। और गोल्डन राइस है, उसके अंदर विटामिन मिलते हैं, विटामिन ए मिलता है, ठीक है। और ये कैरोटीन है, बीटा कैरोटीन, तो ये बीटा कैरोटीन मिलता है, ठीक है। और जमुना, पद्मा, कावेरी, कृष्ण, पूसा, ये इतना को याद रखने की जरूरत नहीं, ये इतनी बहुत है। इसके बाद गेहूँ, गेहूँ के अंदर कल्याण सोना, सोनालिका, अर्जुन, करण है, करण के अंदर एक करण नरेंद्र है और एक करण वंदना है। वंदना का ध्यान रखना, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली है, ठीक है ना, बेस्ट रही है। और एक ये ध्यान रखना शराबती, ये सबसे मीठा मतलब गेहूँ है, ठीक है ना। शराबती ये एमपी के अंदर होता है। और कपास है, कपास के अंदर रेसे है, रेसे दो टाइप के होते हैं, एक तो छोटे रेसे, एक होते हैं बड़े रेसे। छोटे रेसे वो भारतीय कपास होती है, और जो बड़े है वो नरमा होती है, जो अपन के गंगानगर हनुमानगढ़ के साइड होती है, राजस्थान के अंदर, ठीक है। और ये अमेरिका वाली होती है। और इसके बाद में बाकी किसी की याद नहीं रखनी, और चाय की भी कुछ नहीं याद रखनी, ये एक ध्यान रखना तो रख देना। ये कॉफ़ी की रोबस्टा होती है, ये सर्वाधिक है। और ये गोल्डन निडल है, ये भी ध्यान रख रख देना, ये चाय की होती है, ठीक है। अब इसके बाद ये अनुसंधान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये या तो याद कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि ये पूछे थे और अभी आगे और पूछें। तो चावल का आप ध्यान रखना, भारतीय अनुसंधान केंद्र है वो हैदराबाद केंद्र है, और केंद्रीय अनुसंधान संस्थान है वो है कटक उड़ीसा के अंदर, ठीक है ना। और अंतर्राष्ट्रीय है ना तो वो है बनारस के अंदर, ये ध्यान रखना। तीन है इसके, ठीक है ना, एक भारतीय स्तर पर है, एक केंद्रीय है, एक अंतर्राष्ट्रीय। इसके बाद में गेहूँ के अंदर ये हो गया करनाल में हो गया, ठीक है। उसके बाद में कपास का अनुसंधान केंद्र नागपुर के अंदर हो गया। और उसके बाद में इसने बोल दिया कि गन्ने का तो भारतीय है वो तो लखनऊ के अंदर है, और केंद्रीय है वो हो गया कोयम्बटूर के अंदर, ठीक है। ये कोयम्बटूर वाला पूछ रखा है। और इसके बाद में इसने बोला कि चाय का जोरहट ये हो गया असम के अंदर है, ठीक है ना। इसके बाद में हो गया कि कॉफ़ी का हो गया बालेहनूर, ये कर्नाटक के अंदर है। तो ये इतनी है फसल, और इतना याद कर लो और आपका एक क्वेश्चन इसके अंदर पक्का है। तो चलो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना।